त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, वहीं भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन भी कुछ ही दिनों बाद आने वाला है, जिसको लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। इस दौरान बहनें बढ़ चढ़कर अपने भाइयों के लिए सुंदर सुंदर राखियां खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रही हैं। वहीं बाजारों में भी दुकानों पर विभिन्न प्रकार की सुंदर राखियां देखने को मिल रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी पाल ट्रेडर्स की ओर से पूजा राखी की लॉन्चिंग की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर राखियां तैयार कर उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो कि भाई बहनों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमित गुंबर और अंचल गुंबर ने बताया कि इस बार टेडी बियर, स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, लाइटिंग वाली राखी व कई प्रकार की राखियां बच्चों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जो कि उन्हें काफी भा भी रही हैं। उन्होंने कहा कि ये राखियां मेड इन इंडिया हैं, ना कि मेड इन चाइना। इस मौके पर सुनीता गुंबर, आरती, सोनी, निखिल, मनीष, दीपक, सागर, शेंकी, मीना ढींगरा व उनके पति भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। इस साल पूजा राखी वालों अपना बहुत ही नवी चीजा कड़ी है। ढकड़ी का पहला त्यौहार हूं आ गया है। ढकड़ी तो बाद हूँ कई त्यौहार अगवाने हुए हैं। दिवाली आएगी, सावन का महीना चल रहा है, कई त्यौहार अगवाए ने। पूजा राखी वालों आप कोशिश की कि इस साल नवी तो नवी चीजा लियाती कई नवी पैकिंग कड़ियाँ आप नवी नवी आइटम बहुत आई हैं। कोशिश हर साल ही रहती साड़ी कि आप नवे प्रोडक्ट लियाइए ताकि ग्राहक में नवी तो नवी चीज़ा मार्केट आन, तो नवी नवी चीज़ा ग्राहक देख के अगों अगों रिटेलर ग्राहक में भी चीज़ा नवी मिलन। बहुत चीज़ा हो गई इस साल, कुछ साल आप नवी चीज़ा लिया के ग्राहकों देिए तो ग्राहक भी खुश रहन। त्योहारा का तो सीजन है, सीजन सारे का वधिया जाए, कोशिश यही होगी। हर साल बच्चे की आइटम तकरीबन चाइना की काफ़ी आती थी पहले, हूँ कोशिश रहती है कि इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करिए। इंडियन प्रोडक्ट के कई आइटम इस साल नवी आई हैं। लाइट की रखड़ी भी इस साल इंडियन काफ़ी आई है। इस टाइम रखड़ी तो बहुत ज़्यादा उम्मीद हैगी है कि रखड़ी दे तो साढ़े त्यौहार शुरू होते हैं। साढ़े हिंदू धर्म के सारे त्यौहार रखड़ी तो शुरू होते हैं, तो सारे कस्टमर उम्मीद है कि हूँ जोड़े गाहकी है वह बहुत वधिया चलेगी। तो उन्होंने जो लॉकडाउन करके या कोविड करके जो उन्होंने दिक्कतें परेशानियाँ आई है वह थोड़ियाँ दूर होंगे। जो मार्केट गाहक आएगा तो मार्केट गाहक आने पैसे का फ्लो भी आएगा, तो उन्होंने लोगों मुश्किल भी दूर हो। तो हर एक उम्मीद हैगी है कि इस टाइम जो बाजार है वह पूरा चलेगा, तो उन्होंने अगों होर जो बाजार के मंदी का दौर से वह खत्म होएगा।